अमेरिकी बाजार के लिए रॉक्सर ऑफ रोड व्हीकल का अनावरण किया है। कार का निर्माण महिंद्रा के डेट्रॉइट प्लांट में किया जाएगा और इसे 2 सीटर ऑफ रोड मार्केट में लक्षित किया जाएगा, जो वर्तमान में पोलारिस, कावासाकी और KTM की पसंद में है। रॉक्सर मिनिएचर थार जैसी दिखती है। कार में 2 सीट लेआउट मिनिमलिस्टिक केबिन के साथ आते हैं और इसमें विंडस्क्रीन नहीं है। रॉक्सर 2.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन द्वारा संचालित है, जो 62 BHP पीक पावर और 195 Nm पीक टॉर्क का उत्पादन करती है। इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। कार की टॉप स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे की है। मर्सिडीज बेंज ने जिनेवा में GT 4-डोर कूपे का अनावरण किया है। मर्सिडीज के प्रदर्शन में 4-डोर GT को फैमिली मॉडल के रूप में माना जा रहा है। बेंज GT 53 429 HP के साथ आती है, जो 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 4.4 सेकंड में पहुंचती है। CLS के 6 सिलेंडर गैसोलीन इंजन और माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के लिए धन्यवाद, जो इलेक्ट्रिक बूस्ट को बढ़ावा देते हैं। दूसरी और GT 63 AMG के नवनीतम 4.0 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन के साथ आती है, जो 577 HP पीक उत्पादित करती है और GT 63S 630 HP पीक उत्पादित करती है। नई 4-डोर GT की अगले साल अमेरिका में बिक्री होगी और बिक्री के बाद ये पोर्शे पैनामेरा के साथ निपटने के लिए एक गंभीर दावेदार होगी। मर्सिडीज बेंज अब सुरक्षा में सुधार के लिए भारत में अपनी कुछ कारों में रडार आधारित टेक्नोलॉजी का परिचय देगी। कार निर्माताओं ने एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स को मर्सिडीज मेबैग S650 और S560 को ऑटो एक्सपो 2018 में लॉन्च किया और हाल ही में 350D के फेसलिफ्ट लॉन्च के दौरान इसे पेश किया। स्वीडिश कार निर्माता वोल्वो के बाद भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी पेश करने वाली मर्सिडीज दूसरी कार निर्माता है। सुरक्षा सुविधाओं के ये सेट विभिन्न कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए एक्टिव डिस्टेंस असिस्ट आगे के वाहनों से दूरी बनाकर रखता है और अगर सक्रिय दूरी का उल्लंघन हो तो स्वचालित रूप से इसका ब्रेक लागू होता है। एक्टिव स्टेयरिंग असिस्ट सहायता से वाहन चालक सड़क के सीधे हिस्सों पर लेन के केंद्र में रहता है। एक्टिव ब्रेक असिस्ट रडार की मदद से धीमी गति से चलता है और स्थिर वाहनों की जांच करता है और आपातकालीन स्थिति में यदि आवश्यक हो तो पूर्ण ब्रेक लागू होता है। अन्य सुविधाओं में एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट और एक्टिव लेन कीपिंग असिस्ट भी शामिल है। नीचे दिए गए अनुभाग में टिप्पणी लिख के हमें बताएं।